लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के ऐलान के बाद जनधन, उज्ज्वला और पेंशन खातों में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इस बात की जानकारी लगते ही बैंकों में भीड़ उमड़ने लगी। सुबह 9 बजे बैंक खुलते ही खाता धारकों की लाइन लगने लगी और कुछ ही देर में उस लाइन ने भीड़ का रूप ले लिया। दरअसल कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राहत घोषित करते हुए जरूरतमंद लोगों के खातों में पैसे भेजना शुरू किए, जिसके चलते शहर के लगभग सभी बैंकों के बाहर भीड़ नजर आने लगी। लोग बेपरवाह और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख बैंकों के बाहर जमा होने लगे। यूं तो बैंक प्रबंधक को सोशल दूरी बनाने का पालन करवाना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सुबह से बनी अव्यवस्थाओं के बीच दोपहर को महिला सेल प्रभारी पुष्पा राठौर अपनी टीम के साथ गांधी वाटिका रोड स्थित निजी बैंक के बाहर पहुंची और खाता धारकों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने शारीरिक दूरी बनाए रखने पर अमल किया। ये हम लोग शहर भ्रमण कर रहे हैं, इसके दौरान जो बैंकों के अंदर धनधन योजना या पेंशनर या किसी प्रकार के लेन देन करने वाले जो भीड़ भाड़ लग रही है उसको सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं और बैंकों को बैंक में भी जाकर उनको भी समझाइश दे रहे हैं ताकि इनका जल्दी से लेन देन कर दिया जाए जी, और ताकि यहाँ पर ये दूरी बना के रखें और अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये कुछ धनधन योजना वाली हैं, कुछ पेंशन वाले हैं, तो समझाइश दे दी गई बैंक वालों को कि भाई जो पेंशन के कम लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं या जो भी वृद्धजन हैं उनका जल्दी से निपटारा कर दिया जाए और इनका भी इनको भी देख लिया जाए, तो उनको समझाइश दे दी है बैंक वालों की, चल रहा है। इधर बैंकों के बाहर जमा होती भीड़ की जानकारी कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को लगी तो उन्होंने पूर्व में जारी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के समय को बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया। साथ ही सभी बैंक प्रबंधकों को टोकन जारी कर राशि देने के आदेश भी दिए। आपको बता दें कि बैंक द्वारा अब दोपहर 12 बजे तक टोकन प्रदान किए जाएंगे, वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक बार में 5 से अधिक खाता धारकों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा।